So for equally spaced points, this formula simplified, and equally spaced means that all points. So first आपका x0 है, अगला point है आपका x0 plus h, x0 plus 2h and so on. Okay, so in general xi will be x0 plus ih and so on. So points are equally spaced with the gap h. तो जो gap h होगा वो कितना होगा, last point minus first point divide by n, कितने number में आपने divide किया है. और ऊपर मैंने लिखी दिया xi general होगा x0 plus ih, ठीक है, i 0 1 2 एटसेट्रा. तो जो जो इंटरमीडिएट पॉइंट एक्स है उसको मैं सपोज कर रहा हूं एक्स जीरो प्लस समथिंग एस एस, एस वेरी करेगा. जैसे अपने एक्स जीरो से शुरू किया, एक्स कोई भी पॉइंट है बीच में वेरिएबल, एक्स को भी हम लिख सकते हैं एक्स जीरो प्लस प्लस सम समथिंग सम वेरिएबल एस, और एस भी लिख सकते हो एस एच, मैंने इसलिए लिखा है सिंपलीफाई करने के लिए. एक्स को भी मैंने लिखा एक्स जीरो प्लस एस एच. तो फिर इसका फायदा क्या होगा कि जो न्यूटन पॉलिनोमियल है आपका, मैं लिख रहा हूं फार्मूला न्यूटन पॉलिनोमियल, वो हमने लिखा था पिछली बार पी एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जीरो, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ आगे, डिवाइडेड डिफरेंस के वन टू एन एक्स जीरो एक्स वन अप टू एक्स के. सर एक बात बताओ कि सर इसमें x हम x जीरो प्लस एस एच लिख रहे हैं, उसको तो सर हम x को मतलब वो x s हो गया ना बेसिकली x i की जगह. देखो x x वाला ये वाले पॉइंट है x, ये x0 ये फिक्स हैं, x0 x1 ये फिक्स पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है. x क्या है, कहीं भी एक पॉइंट लो लोगे ना, x का मीनिंग क्या वेरिएबल है, कहीं भी एक पॉइंट है कहीं भी, ठीक है सर. ठीक है, ठीक. तो मैथ में प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जैसे कोई भी नंबर है आप उसको x0 प्लस समथिंग लिख सकते हैं ना, इससे आगे जाएगा ये प्लस. यस सर, यस सर, वो चीज लिखा है मैंने, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे फैक्टर ना उसी फॉर्म में है एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन. तो आगे हम देखेंगे सिंपलीफाई हो जाएगा, बस फार्मूला तो यही है कि इक्वल टू वन लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ तक जाएगा एक्स वन तक, साथ में प्रोडक्ट आ जाएंगे एंड सो ऑन. अब सिंपलीफाई कैसे होगा, अब इसमें वैल्यू फिट कर दो, आप दोनों को सिंपलीफाई करना है. डिवाइडेड डिफरेंस को मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले इसको कर रहा हूँ प्रोडक्ट को. तो एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स को आपने लिखा ना एक्स जीरो प्लस एस एच, अगला पॉइंट क्या आएगा एक्स माइनस एक्स वन. एक्स क्या है, एक्स जीरो प्लस एस एच. एक्स वन को भी आप क्या लिख सकते हो, इक्वली स्पेस है ना, एक्स जीरो प्लस एच है ना, एक्स वन यही है एक्स जीरो प्लस एच एंड सो ऑन. तो लास्ट में क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स के माइनस वन. के माइनस वन को क्या लिखोगे, एक्स जीरो प्लस के माइनस वन एच. यानी कि हमने सारे पॉइंट क्या लिख लिए, एक्स जीरो प्लस समथिंग. तो पहला पॉइंट क्या, एक्स वन क्या होगा, एक्स जीरो प्लस एच. एक्स टू क्या होगा, एक्स जीरो प्लस टू एच. एक्स के माइनस वन क्या होगा, एक्स जीरो प्लस के माइनस वन एच. अब इसका फायदा क्या होगा कि ये एक्स जीरो तो सारे कैंसिल हो गए, सॉरी इसमें इसमें भी लिखना है, लास्ट वाले में लिखा नहीं, इसको भी ये लिखना है एक्स जीरो प्लस एस एच. तो एक्स जीरो कैंसिल हो गया, तो फाइनली सिंप्लीफाई होके ये बना क्या, एफ एक्स जीरो समीशन के वन टू एन, इसको बाद में करेंगे. तो देखो फर्स्ट फैक्टर क्या बचा, एस एच, अगले में क्या बचा, ये
एच एच कॉमन आ गया, तभी एस एच लिखने का फायदा हुआ ना, एच कॉमन आ गया, एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस थ्री बचता रहेगा। हाँ तो एस माइनस वन अगला फैक्टर एस माइनस वन बनेगा, तो मैं कॉमन लिख देता हूँ एस। एच तो हर एक फैक्टर से आना है ना, एच एच कितने फैक्टर हैं टोटल, के हैं, एच की पावर के आ जाएगा बाहर, पहले से एस आएगा फिर एस माइनस वन, और लास्ट वाले से क्या आएगा, एस माइनस के माइनस वन प्लस वन, प्लस वन मान कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली है ये एस माइनस के माइनस वन है, ठीक है। इसको ये बन गया फाइनली, तो इसको मैं फैक्टोरियल के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज एफ एक्स जीरो सेम के वन टू एन एफ एक्स जीरो एक्स वन अप टू एक्स के एच पावर के फैक्टोरियल के, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन है क्या, आपने एस से शुरू किया, एक एक कम करते गए, प्रोडक्ट हैं एस एस माइनस वन अप टू के माइनस वन, तो टोटल के प्रोडक्ट हैं ये, के प्रोडक्ट कैसे हैं, एस माइनस जीरो एस माइनस वन अप टू एस माइनस के माइनस वन, है ना, यही है प्रोडक्ट। तो इसको हम नोटेशन देते हैं बाइनोमियल, आप एन जो आप एनसीआर पढ़ते हो, इसको लिखते हैं एस के से, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल फार्मूला, जो आपका एनसीआर होता है उसको हम ये भी लिख देते हैं ना कई बार ये, बट वो फार्मूला होता है जब एन और आर इंटीजर हो, बट ये इसमें एस जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, बट स्टिल इट इज डिफाइंड। मान लो आपका एस पॉइंट फोर है, तो पॉइंट फोर से शुरू करना, एक एक कम करते जाना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। लिख सकते हैं फार्मूला कि के प्रोडक्ट है और एस से शुरू किया, एक एक कम करके डिवाइड बाय के फैक्टोरियल, तो इसको नोटेशन ये है एस के, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एस के। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया प्रोडक्ट वाला, ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस को, डिवाइडेड डिफरेंस बाय डेफिनेशन जाते हैं, तो जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, यही आएगा एफ एक्स वन माइनस डिवाइडेड डिफरेंस बाई डेफिनेशन। अब आपका जो एफ एक्स वन है वो क्या है, एक्स जीरो प्लस एच एन, और नीचे एक्स वन को लिखोगे एक्स जीरो प्लस एच, तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। सो डिफाइन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ये कैलकुलस में एक ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव जैसा है, जैसे आपने कभी यूज नहीं किया होगा, इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा। अब डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, डेरिवेटिव में तो हम ये करते हैं ना, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, है ना, लिमिट एच गोज टू जीरो, यस सर। तो बट इसमें डिवाइड नहीं करते, डेल्टा ऑपरेटर डिफाइन कैसे, डिफरेंस है ये, इसकी डेफिनेशन ये है एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है, अगले पॉइंट पे वैल्यू एफ एक्स और पिछले पॉइंट पे वैल्यू, एरर टाइप्स होगा सर, एरर टाइप होगा, दो फंक्शन की दो वैल्यू का डिफरेंस, डेल्टा, ठीक है। ये मैथ में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर कैसे निकालना है आपने, जैसे डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव आप कैसे करते हो, हायर सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हो, फर्स्ट को कर देते हो, तो ये भी ऐसे डिफाइन है कि फर्स्ट निकालो फिर सेकंड उसके ऊपर लगा दो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर इस ऑपरेटर की टर्म में लिखें तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या बन जाएगा, ऊपर जो बना है, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एफ एक्स आई, जो माइनस ये हो रहा है ना, ये अगले पे वैल्यू माइनस पिछले पे वैल्यू, ये भी ऊपर यही है, अगले पे वैल्यू माइनस पिछले पे वैल्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, कितना चेंज हुआ, एक्स टू माइनस एक्स जीरो। अब ये रिकर्सिवली डिफाइन है, अब फॉर्मूला तो बेसिक तो ये है,
इसको देख के आपने ये लिखना है एफ एक्स वन एक्स टू, तो क्या बनेगा? क्या सर? इसको इसको देख के ये लिखना है आपने, ये अगर ये एफ एक्स जीरो एक्स वन था तो क्या आया? डेल्टा एफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। अब इस पे लगा दो डेल्टा एफ डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स एफ एक्स जीरो आ जाए। अब पॉइंट को स्वैप कर दो ना, एक्स जीरो की जगह एक्स वन कर दो, एक्स वन की जगह एक्स टू कर दो, डेल्टा एफ एक्स वन आ जाएगा, माइनस डेल्टा एफ डिवाइड बाई एच भी आएगा ना। यस सर, माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो, ये तो वही है डिवाइड बाई एच, और नीचे एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये कितना आएगा? एक्स टू क्या है? एक्स जीरो प्लस टू एच, है ना, नीचे टू एच आ जाएगा, टू एच। अब एक एच ऊपर से नीचे टू एच स्क्वायर बन जाएगा। डेल्टा को आप कॉमन भी लिख सकते हो, कॉमन मतलब ये लिखना है वन बाई टू एच स्क्वायर कॉमन आ गया, डेल्टा ऊपर बच गया ये एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। एक बार सर पिछला पेज दिखाना। सर इसमें हम जो x1 और x2 का लिख रहे हैं, जैसे हमने डेल्टा एफ एक्स वन लिखा, ये पिछले वाले से कोई रिलेशन नहीं है इसका ना, मतलब डेल्टा एफ एक्स जीरो से? इसको देख के लिखा है ना हमने, दो दो पॉइंट का कैसे लिखा है हमने, डेल्टा एफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एच, छोटे वाला पॉइंट आ रहा है ना डेल्टा एफ एक्स जीरो, इसको देख के हमने ये लिख दिया एफ एक्स वन एक्स, तो छोटे वाला पॉइंट क्या है एफ एक्स वन आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई दोनों पॉइंट के बीच का एच क्या था यहाँ पे, एक्स वन और एक्स जीरो का डिफरेंस था एच, यहाँ पे एक्स टू और एक्स वन का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज आल्सो एच। नहीं बस आप स्वैप कर दो, एक्स जीरो को एक्स वन कर दो, एक्स वन को एक्स टू कर दो, जैसे मैंने ये लिखना हो, मैंने ये लिखना हो, दो कंजेक्टिव से बनेगा डेल्टा, सॉरी अगर मैंने डिवाइडेड डिफरेंस ये लिखना है एक्स टेन एक्स इलेवन, तो ये क्या आएगा, आप ये लिखोगे डेल्टा एफ एक्स टेन डिवाइड बाई एच। आप चाहे इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू एक्स इलेवन पे, फंक्शन की वैल्यू टेन पे डिवाइड बाई एक्स इलेवन माइनस एक्स टेन, ये एच बन गया। और डेल्टा डिफाइन, ये जनरल डेफिनेशन है आईथ के लिए ना, आप कोई भी पॉइंट हो आई जीरो वन टू थ्री सबके लिए वैलिड है ये, तो आपके वाले केस में एफ एक्स वन एक्स टू में ये आई आपका वन बन गया, तो डेल्टा एफ एक्स वन क्या होगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। नहीं करे फॉलो? यस सर। तो अब जैसे डेरिवेटिव को आप कॉमन लिख सकते हो, तो ये बन गया, अब इसको आप दोबारा से ये लिख सकते हो, ये क्या बन गया आपका, ये फिर डेल्टा बन गया डेल्टा एफ एक्स जीरो, अल्टीमेटली ये आ गया डेल्टा स्केयर एफ एक्स जीरो डिवाइड बाई टू एच स्केयर। ऐसे आप बार बार करना, ठीक है, ये टू एक्स थ्री फैक्टोरियल टू है, थ्री बार करोगे फोर बार करोगे, तो जो लास्ट में आएगा जब आप के टाइम कर लोगे, तो उसमें डेल्टा की पावर टू में टू था, के में के, डिवाइड बाई के फैक्टोरियल एच पावर के, ये तीन में करोगे तो नीचे सिक्स आ जाएगा, सिक्स एच क्यूब, ठीक है, चार में करोगे तो नीचे ट्वेंटी फोर एच फोर आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है, के फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू ऊपर फिट कर दो, बस सिंप्लीफाई हो गया फार्मूला। देयरफॉर पी एन एक्स, और एक्स को मैंने लिखा है एक्स जीरो प्लस एस एच इक्वल्स टू एफ एक्स जीरो प्लस समीशन के इक्वल टू वन टू एन, इसमें फिट कर देना इसमें, तो डिवाइडेड इसकी जगह क्या आ जाएगा जो हमने लास्ट में लिखा है? यस सर। तो देखोगेगा एच पावर के फैक्टोरियल के, उसमें न्यूमरेटर में ऐसे डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएंगे, एच पावर के फैक्टोरियल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक तो वो बाइनोमियल बचेगा और साथ में ये डेल्टा के एफ एक्स जीरो। तो ये फाइनल फार्मूला आपने ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं दैट दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिवाइडेड
डिफरेंस इंटरपोलेशन, और इसको आपने तब लगाना है जब पॉइंट इक्वली स्पेस हो। अगर इक्वली स्पेस नहीं हो देन यू नीड नॉट टू अप्लाई, फिर आपने पिछला लगाना जर्नल जो हमने ये वाला जो, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। इसको आपने सर मैं यही कहने वाला था कि सर हम यही लगा, हाँ वो सेम है, चाहे वो यही लगाओ चाहे वो लगाओ एक ही चीज है। बट कई बार ना प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इसमें दे रखी होती है, सीधे दे रखा होता है फॉरवर्ड में। ये भी स्टैंडर्ड है कि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दे दी या कुछ, बाकी से सब कुछ सेम है, उसी से ये बना है। आप चाहे वो लगाओ चाहे आप ये यूज करो, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आना है। सो यू कैन अप्लाई एनीथिंग, बट कई बार वो मिसिंग एंट्री में ना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दे देते हैं, तो मैं वो बताता हूँ वो ड्रॉ हमने कैसे करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी तीनों सेम है। अगर आप लग्रांज लगाओगे न्यूटन लगाओगे आंसर सेम आएगा, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये एग्जांपल है कि फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डाटा, ये डाटा आपको दे रखा है, x आपके पास है 0, 2, 4, 6 और fx है -3, 5, 21, 45। अब इसमें चाहे कुछ लिखा नहीं है प्रॉब्लम में, बट आपको पता कि पॉइंट इक्वली गैप वाले हैं, ये देखना है आपने 0, 2, 4, 6, तो गैप कितना हुआ 2, तो पॉइंट्स आ गया x का गैप है इक्वली equally spaced with spacing या gap जो है h is 2। आप लेबल भी लगा सकते हो x 0 0 है, x 1 2 है, x 2 4 है, x 3 6 है, और नीचे function value fx 0 -3 है, fx 1 5 है, fx 2 21 है and fx 3 45। तो सो वी ड्रॉ एक टेबल ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सो दैट इज आई एम ड्रॉइंग ऑन नेक्स्ट पेज। डाटा को आप वर्टिकल फिट कर दो, 0, 2, 4, 6, fx -3, 5, 21, 45। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस जनरल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉरवर्ड डेल्टा एफएक्स। तो जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस, पहला आपका डेल्टा एफएक्स जीरो आता है, वो क्या आता है एफएक्स वन माइनस एफएक्स जीरो, तो क्या बनेगा टेबल में, दिस माइनस दिस प्लस, इन दोनों को माइनस कर दो, 5, 5, -3, 8 आ जाएगा। अगला डेल्टा एफ एक्स वन वो क्या होगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, फिर डेल्टा एफ एक्स टू, ठीक है, 0, 1, 2 एक कम हो जाएगा, तो ये क्या आएगा एफ एक्स थ्री, 45 माइनस एफ एक्स टू डिवाइड, सो 24। तो इसमें आपने उसमें तो डिवाइड करते थे ना इनसे, इसमें डिवाइड नहीं करना, इसमें डिवाइड नहीं कर, सीधा डिफरेंस निकालना है बस, क्योंकि डेल्टा क्या है फंक्शन का डिफरेंस, बस सीधा डिफरेंस लिख दो आप। और फिर डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इन पे डेल्टा लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस। डेल्टा स्क्वायर पहला क्या बनेगा, 8 आ जाएगा, हाँ इनका दोनों का डिफरेंस, यानी कि 16 - 8 8, और अगला 24 - 16 8। अभी दोनों सेम आ गए तो थर्ड क्या आएगा, 0, 0। तो चार डाटा है, वैसे चार डाटा से कितना बनेगा 3 डिग्री,
बट यहाँ पे आपका पॉलीनोमियल बनेगा 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि थर्ड आपका डिफरेंस 0 आ गया। अब आपने उस नोटेशन के अकॉर्डिंग जाना है, x लिखना है ना। मैंने पहले बता दिया कि x0 यहाँ पे 0 है पहला पॉइंट, h2 है, तो फिर आपने x लिखना है उसी नोटेशन में, x0 plus sh, so 0 plus s, तो s ही रहेगा, ठीक है, और h आपका 2 है, तो यानी कि क्या आ गया ये 2s। और यहां से आप अगर आपने x में लिखना तो s निकाल लो, x by 2। तो न्यूटन का जो फार्मूला है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एज, तो मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री बनना है तो दो तक ही लिख लेते हैं, पी टू थर्ड तो 0 है आपका, तो ये फार्मूला बनेगा एफ एक्स 0, ओपन करके लिख रहा हूँ, के इक्वल्स टू 1, ये टर्म आएगी, एस आपका ये बनेगा ना, बाइनोमियल बनता है ना एस, चल पहले ये लिख लो, के इक्वल्स टू 1 टू 2 तक ही जाना है आपने, है ना, ये आया था ना बाइनोमियल एस के और डेल्टा के एफ एक्स 0, तो इसको ओपन करके, हैं, यस सर, इसको ओपन करके लिख लो, तो एफ एक्स 0 आपका एफ एक्स वाली बार में डाल देते हैं, पहली टर्म क्या आएगी, k इक्वल्स टू 1, तो वैसे ही आएगा s1 का वैल्यू, 1 पर s से शुरू करना है, 1 प्रोडक्ट बस, s s डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, ये आएगा। अगली टर्म में आएगा s2, 2 प्रोडक्ट ss माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो ss माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर, और थर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट वो 0 ही है, जरूरत नहीं लिखने की, ना डेल्टा, क्योंकि डेल्टा क्यूब 0 है, तो वैल्यू डाल दो बस, फाइनल आंसर आ गया आपको। सो एफ एक्स 0 पहली वैल्यू टेबल में माइनस 3, अगर एस को एक्स में लिखना है तो एस क्या है, एक्स बाई 2, ठीक है, और डेल्टा एफ एक्स 0 कौन सा है, दिस वन डेल्टा स्क्वायर ये, ठीक है, 8 है दोनों, सो मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस x by 2 minus 1 by 2 multiply by 8, तो इसको सिंपलीफाई कर लो। इसमें भी मतलब वही होगा कि हम टेबल की जो पहली वाली रो है वही यूज, हाँ पहले वाली यूज करनी है, सेम ही है वो, ठीक है, मतलब नोटेशन में अगर आप कहो तो ये डेल्टा एफ एक्स 0 है एंड दिस इज डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0 एंड दिस इज डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया, आसान है, सही है सर। एक ये ना यूनिकनेस वाला, तो डोंट फॉरगेट हाउ यू डिवाइड दैट, इसमें भी कई बार मिसिंग एंट्री पूछ लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था ना, मान लो ये एंट्री मिस कर दी, बाकी डाटा दे दिया, तो आप इसको निकाल सकते हो, बस ये ध्यान रखना, बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, वो इक्वली स्पेस, फिर अगर आप डिवाइड करते हो तो फिर फार्मूला दूसरे वाला यूज करो, ओल्ड वाला, हाँ, बट अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड अगर वर्ड आ गया, फॉरवर्ड दिस इज, तो फिर ये डेल्टा वाली है, वैसे एक बैकवर्ड भी होता है, वो हम इस बार नहीं पढ़ रहे, ये डेल्टा फॉरवर्ड है, उसका सिंबल भी उल्टा है बैकवर्ड, डेल्टा बैकवर्ड का उल्टा है ना, आप उसको बैकवर्ड को भूल जाओ, आपके पास फॉरवर्ड ही है, बैकवर्ड हम नहीं स्टडी कर रहे इस बार, बैकवर्ड में उल्टा की आप इसमें आप करते हो ना, कि जैसे आपने लिखा है, ये डिफाइन किया है डेल्टा एफ एक्स एक्स वन, एक्स वन एक्स जीरो करते हैं, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, बाकी यूनिकनेस है, आंसर सेम है। और एक ये एग्जांपल है, कई बार ये कहता है कि शो दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल
दो पॉलिनोमियल आपके पास, ये जीरो लिखा है, वैसे जीरो मल्टीप्लाइड है यहां पे, शो दैट दिस एंड दिस, so that both interpolate the data, both interpolate the same data. both interpolate the given data, table में data दे रखा है, given data in table. ठीक है, दो polynomial लिखे हैं मैंने, you can check both are 3 degree polynomial. ठीक है, तो डाटा मेरे पास है टेबुलर फॉर्म में, ये है तो डाटा से हम पॉलीनोमियल निकाल लेंगे. हाँ, तो इसने दो दे दी ना, कहता कि दो हैं, तो क्या दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? पर एक बार हम फॉरवर्ड करके कर सकते हैं और एक बार नॉर्मल करके, हाँ, पर उससे आंसर सर सेम ही आएगा शायद. हाँ, सिंपलीफाई करोगे तो सेम ही आएगा. Does this violate the uniqueness property? भी unique ना होना चाहिए, तो क्या violate करता है या नहीं करता, ये आपने बताना है. अगर हम आपको ध्यान से देखोगे, अब पहला क्वेश्चन का आंसर देना, interpolate करेगा तो वो कैसे चेक करोगे? अब ये डाटा पॉइंट है आपके -2, -1, 0, 1, 2, तो इनकी वैल्यू निकालो पॉलीनोमियल की, पहले की निकालो, उसमें x को -2 फिट करो, आंसर निकालो, x की जगह -2 अब निकालना, वो आ जाएगा -1, फिर उसमें -1 डाल दो, सारे पॉइंट डाल दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, सेम चीज आपने q के लिए करनी है, -2 डाल दो, -1 डाल दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, आप देखना वैल्यू यही आएंगे नीचे वाली, 3, 1, -1, 3, -1, 3, 1, -1, 3, ये फंक्शन वैल्यू जो है नीचे ये वाली. तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों पॉलीनोमियल पास हो रहे हैं डाटा से, सैटिस्फाई कर रहे हैं ना दोनों पॉलीनोमियल. यस सर. तो सर ये तो बात फिर सच ही हो गई कि ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं, बट नहीं कर रहे ना, आप इनको एक्सपेंड करना फिर सेम ही बन जाएंगे ये. आप ब्रैकेट ओपन करो, वही वाली बात तो आ गई सर कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस वाले को एक्सपेंड करते हैं तो ओरिजिनल वाली आ जाती है. ध्यान से देखो बने कैसे हैं, पहले में 3 आ रहा है, देखो न्यूटन में क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, fx 0 आता है यहाँ पे, ये आता है फार्मूला पहला में, यही आता है ना, इसमें fx 1 आ रहा है, तो ये 3 वाली ये है, और अगले में fx 1 होगा ना, इसमें हां इसमें -1 आ रहा है, वो तो ये है, इसमें fx 0 आ रहा है. हाँ, तो जो आप q बनाओगे फॉरवर्ड लेके, या इक्वली स्पेस आप बना लेना, अब वो आपका q बनेगा ये वाला, ये आपने पॉइंट आपका x 0 ये लिया, आपने x1 ये लिया, x2 ये लिया, x3 ये लिया और x4 ये लिया, तो आपका बनेगा q. अब इसमें एक चीज है कि जो इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल है, इफ यू एक्सपेंड p एंड q, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम, उसका मीनिंग है ये वायलेट नहीं करता है. बट फिर दूसरा बना कैसे है, दूसरे वाला अगर ध्यान से देखोगे तो पी कैसे बना है, पी उसने ऐसे बनाया है, उसने इस पॉइंट को सेंटर लिया है, किसको, उसने इसको कहा एक्स जीरो, इसको कहा उसने x1, इसको कहा x2, इसको कहा x3, इसको कहा x4. अब देखो पॉइंट भी ऐसे ही आ रहे हैं ना, अगर सेंटर देख इनमें वैल्यू देखोगे तो x माइनस पहला पॉइंट आता है, x माइनस -2 है ये, q तो उसने नॉर्मली ले रखा है,
ऊपर वाले में x माइनस वन, हाँ ये वाला पॉइंट माइनस हो रहा है पहले, दूसरे वाले फैक्टर में x माइनस जीरो है ये, तो ये वाला पॉइंट अगला, तीसरे वाले फैक्टर में x माइनस वन ये, और अगले वाले में यहां तक ही जाना है। तो कहने का मीनिंग है कि आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो, यू कैन टेक, यू कैन स्टार्ट विद एनी पॉइंट, यू कैन टेक एनी पॉइंट एज एक्स जीरो, मतलब पॉइंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स डजंट मैटर। सो बोथ आर सेम, दिस डज नॉट वायलेट द यूनिकनेस प्रॉपर्टी। आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो डिवाइडेड डिफरेंस में, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, बट वो मैथ में जल्दी लिखने का तरीका होता है कि हम छोटे से शुरू करते हैं, छोटे को आप एक्स जीरो कहते हो, फिर उसके उससे बड़े को आप एक्स वन कहते हो, एंड सो ऑन। बट ये कहता है कि आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, एंड इफ यू एक्सपैंड बोथ, एक्सपैंड कैसे, इफ वी एक्सपैंड P and Q, both are same. Expand कैसे करोगे? एक ओपन कर देना ब्रैकेट से इनके, जैसे फर्स्ट में आएगा ये था 3 माइनस 2x माइनस 2, और क्यूबिक वाली टर्म क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बन जाएगा, सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। आप Q को करना, Q भी सेम आएगा, सो दिस डज नॉट वायलेट यूनिकनेस। ये कभी शॉर्ट आंसर में कई बार पूछ लेते हैं, सो इंटरप्रेटिंग पॉलीनोमियल्स आर यूनिक, ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स डजंट मैटर, यू कैन स्टार्ट विद एनी पॉइंट। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में हमने इतना ही पढ़ना है, खत्म होगा सर इंटरपोलेशन, बस ये, हाँ इतने पढ़ना, प्रॉब्लम्स करनी है आपने इनकी, ठीक है? ठीक है सर। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, कर दे शुरू, कर दे सर, 10 मिनट तो है सर, 15 मिनट पड़े हैं अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसी से रिलेटेड है, नया कुछ नहीं है। तो फर्स्टली तो आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट यू डू इन इंटीग्रेशन, सो यू फाइंड, अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो एक आप एक ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ निकालोगे जिसको डिफरेंशिएट करके आपको स्मॉल एफ मिले, है ना, यही होता है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। बट हर एक फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि इसका इंटीग्रल यू नो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री पॉलिनोमियल है, ये होता है। या उल्टा अगर आप कहो कि यू इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन कॉन्स्टेंट सो यू गॉट एक्स स्क्वायर, तो क्या हर एक फंक्शन के लिए आप कर सकते हो? लेट अस से कि ये फंक्शन है, क्या कैन यू राइट कि ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से आपको e पावर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, सो दैट वी डोंट नो। कभी आपने इंटीग्रेशन में कुछ क्लासेस पढ़ी थी ना कि x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, साइन कॉस इनके क्या होते हैं, यू हैव स्टडीड सम क्लासेस स्क्वायर कंप्लीट करके, आपने कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा कि जो कहे कि सारे फंक्शन को आप इंटीग्रल कर सकते हो, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा ना, सो वी कैन नॉट इंटीग्रेट एनी फंक्शंस। तो उसमें ये भी है, इसको इसका इंटीग्रल आप नहीं कर सकते, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो फर्स्टली तो इनडेफिनेट तो हम नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिट है, बट यस वी कैन डू डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, that we can do in numerical analysis, और उसका आइडिया है पिछले टॉपिक से, पिछले टॉपिक से कैसे, we replace
एफ विद एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, विद एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अब वो कैसे करेंगे, हमने एक पीछे रिजल्ट पढ़ा था, अगर आप देखोगे तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था एफ एक्स माइनस एरर वाला, पढ़ा था ना एफ एक्स माइनस पी एक्स, अगर आपको ध्यान हो ये फार्मूला था एक्स माइनस एक्स जीरो, एफ का एन प्लस वन डेरिवेटिव एट सम पॉइंट सी डिवाइड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल। वैसे सी की जगह ना कई बार जाई भी लिखते हैं, जाई नोटेशन है जो सी है वो जाई, एक्साई को ऐसे लिखते हैं एक्स आई एक्साई ऐसे, कहीं एग्जाम में ये लिखते हैं तो ये ना कहना कि हमने पढ़ा नहीं है। सो जाई भी एक वही है जो एक्स सी और एक्स वन के बीच में पॉइंट। ये मेन रिजल्ट था इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल का। तो यहां से आप एफ को क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल टू पॉलिनोमियल प्लस ये एरर जो है ऊपर वाला, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, ठीक है, ए टू बी इंटीग्रल कर दो उसका। प्लस इसका इंटीग्रल जो एरर वाली टर्म है, ठीक है, तो ये तो आपका अब पॉलिनोमियल का इंटीग्रल आपको पता है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल यू कैन इंटीग्रेट। अब ये भी एक कलो प्रोडक्ट ही है इस टाइप के, साथ में ये दिक्कत करेगा वैसे फंक्शन, बट समहाउ यू कैन आल्सो इंटीग्रेट दिस। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल को अगर मैं एरर को स्किप करूं तो नियरली इक्वल टू आप ये लिख सकते हो ए टू बी पॉलिनोमियल का इंटीग्रल। तो फंक्शन का इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, यू कैन यूज लैग्रांज या न्यूटन, जो भी कोई भी यूज कर सकते हो, और हमें ये पता है कि दोनों से आंसर भी सेम आएगा, है ना, दोनों से आंसर सेम ही आता है, चाहे लैग्रांज लो चाहे न्यूटन लो, तो कोई भी लिख लो आप, यू कैन यूज एनीथिंग। और ये जो टर्म आएगा ये आपका इसका इंटीग्रल क्या दे देगा, आपको एरर देगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए तो हमने दो टाइप की टेक्निक पढ़नी है इस टॉपिक में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दो टेक्निक पढ़ेंगे, एक हम फिर न्यूटन है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं न्यूटन कोट्स फार्मूले, और दूसरे हैं गॉस गॉस इंटीग्रेशन, या गॉस इनको गॉस लेजेंड्रे भी बोलते हैं, गॉस लेजेंड्रे फार्मूले। तो पहला मैं वी स्टार्ट विद न्यूटन कोट्स फार्मूले, न्यूटन कोट्स फार्मूले। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इनकी पहचान क्या है कि वी टेक इक्वली स्पेस पॉइंट्स, स्पेस्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो दो रूल डिवाइड करूंगा मैं, एक वन डिग्री के लिए फॉर एन इक्वल्स टू वन, सो वी यूज वन डिग्री लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। आप न्यूटन भी यूज कर सकते हो, आंसर वुड बी सेम। तो वन डिग्री कैसे बनता है, वन डिग्री कैसे बनेगा, दो पॉइंट से, यस सर। तो ए पहला पॉइंट आप ए ले लो, ए और बी तो फिक्स हैं, दूसरा पॉइंट आप क्या लेना पड़ेगा, एंड वाला ले लो बी, बस इनसे बन जाएगा वन डिग्री। तो यानी कि आप ये कर रहे हो, ये मेरा फंक्शन था जो भी है, ये मैं कह लूँ ए है विच इज एक्स जीरो, और ये मेरा बी है विच इज एक्स वन, और आपने इनको ज्वाइन किया है, वन डिग्री का मीनिंग क्या, आपने लाइन से ज्वाइन कर दिया इनको, ठीक है। तो एन मैंने ले लिया वन,
और इनके बीच का जो गैप है उसको मैं लिख रहा हूँ एच से, दैट इज एक्स वन माइनस एक्स जीरो लिखो चाहे बी माइनस जीरो लिखो, ठीक है। देन तो एफ एक्स को आप क्या लिख लोगे, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल प्लस एरर एक्स, ये आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, और एफ का सेकेंड डेरिवेटिव एट पॉइंट अक्जाई, जो लिखा था पीछे फार्मूला फॉलो करे ना इसको, ये वाला फार्मूला। यस यस सर, यस सर। अब दोनों साइड इंटीग्रल कर लो, तो मैं इंटीग्रल करोगे तो सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ इनका, लेफ्ट में आएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वन डिग्री लैग्रांज फॉर्म, चलो इसको बाद में लिखते हैं पहले, पी वन एक्स इसका इंटीग्रल और इसमें इसका इंटीग्रल ए टू बी एक्स माइनस एक्स यू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, आप टू को बाहर लिख सकते हो कॉन्स्टेंट है ये। अब मैं सेपरेट सेपरेट करता हूँ लेफ्ट, अब लेफ्ट में ए टू बी पहले इसका करता हूँ पी वन का, अब मैं चाहे ए कहूँ चाहे एक्स जीरो कहूँ बहुत सेम, चाहे बी कहूँ चाहे एक्स वन, तो पी वन क्या बनेगा वन डिग्री लग रहा है एल जीरो एक्स एफ एक्स जीरो ये बनता है एल वन एक्स एफ एक्स वन लग रहा लिख दिया फॉर्म। यस सर, तो एक्स जीरो से लेके एक्स वन तक इनका इंटीग्रल कर दो बस। अब एल जीरो की वैल्यू क्या आती है एक्स माइनस एक्स वन, और एल वन की वैल्यू एक्स माइनस दूसरा पॉइंट ये आता है। अब इसका इंटीग्रल कर दो तो एफ एक्स जीरो करो आप बाहर लिख सकते हो कांस्टेंट है, नीचे एक्स जीरो माइनस एक्स वन ये भी कांस्टेंट है, ऊपर x माइनस एक्स वन का इंटीग्रल क्या आएगा x माइनस एक्स वन स्केयर डिवाइड बाई टू, फिर आप फिट करते हो ना लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर सेकंड में भी सेम इसको आप बाहर लिख सकते हो एफ एक्स वन, तो वैल्यू है ना ये x वन माइनस एक्स जीरो, इंटीग्रल आएगा इसका x माइनस एक्स जीरो का x ही है ये, सो दिस इज x स्केयर बाय सर x माइनस एक्स वन का इंटीग्रल x माइनस एक्स वन स्क्वायर बाय टू क्यों लिखा, इसमें तो सर हमारा सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल हो गया ना सर, x माइनस एक्स वन को या t फिट कर लो तो dx से dt आ जाएगा तो t स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। लेकिन सर इसमें हमारा x1 तो कांस्टेंट है ना, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय टू आता है, x माइनस टू को कितना आएगा x माइनस टू स्क्वायर बाय x माइनस टू स्क्वायर वो चीज है। ठीक ठीक है सर, नहीं चाहे आप x माइनस x1 को t फिट कर लो t में चेंज करके कर लो, ये आंसर तो सेम ही आना है आपको। यस सर, यस सर। इसमें भी फिर अप लोअर लिमिट अपर लिमिट फिट करोगे, तो जब आप फर्स्ट में x1 फिट करोगे तो ये क्या बन जाएगा x1 माइनस x1 जीरो ये बनेगा। यस सर, और सेकंड में लोअर लिमिट फिट करोगे x जीरो तो जीरो बन जाएगा, तो एक बार तो जीरो बन रहे हैं एक बार नॉन जीरो बन रहे हैं, जब इसमें x जीरो फिट करोगे तो x जीरो माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 ये एक नीचे x जीरो माइनस x1 ये कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा ना, तो इसको मैं सिंपलीफाई करना थोड़ा सा, ये बचेगा इसमें x1 माइनस x0 बाई 2 कॉमन आ जाएगा और बस अंदर ये बच जाएगा fx0 प्लस fx1। तो अगर उसमें लिखना चाहो तो इस डिफरेंस को मैंने h लिखा h बाई 2, सो दिस इज fa प्लस fb, तो ये सिंपलीफाई हो गया फर्स्ट, यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, अगर आप एरर को स्किप करोगे तो ये क्या आ गया जस्ट फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाल लो बी पे और जितना गैप है उससे 1 by 2 से डिवाइड कर दो, फिर आपने एरर को सिंपलीफाई करना है दूसरा स्टेप जो एरर वाला था, एरर कल कर लें सर। हाँ बस एक बार लिख के कंफ्यूजिंग हो जाएगा सर, हाँ चलो कल कर लें, यहाँ तक तो फॉलो कर रहे हो? यस सर, यस। तो सर हमने सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना होगा ना या पूरा इंटीग्रेशन वाला याद रखना है बस। ठीक, आया भी एक सिंपल क्या है आपकी लैग्रांज फॉर्म बन गई ना, तो लैग्रांज में क्या एक्स ही है पॉलीनोमियल है उनका इंटीग्रल कर दिया आपने जस्ट, वन डिग्री था तो एक्स स्क्वायर बाय टू आ गया जस्ट वहां से, फिर आपने सिंपलीफाई किया उसको आगे अपर लिमिट लोअर लिमिट फिट करके, सो
सो एच बाई टू इतना बन गया, ठीक है। चाहे एरर का हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन मेमोराइज, ठीक है। तो ये वन डिग्री के लिए था, फिर हम कल बनाएंगे टू डिग्री के लिए भी। तो टू डिग्री कैसे बनेगा? तीन पॉइंट कैसे लेंगे? प्लस तो लास्ट तो फिक्स है, ये फिक्स है। अच्छा, एक तो ए लेना है आपने, अब तीन पॉइंट इक्वली स्पेस भी लेने हैं, तो एक्स वन माइनस एक्स टू बाई टू आ जाएगा। इक्वली स्पेस, इनका इनका मिडल ले लो, वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। तो फिर आप लिखोगे एल जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एल वन एफ एक्स वन प्लस एल टू एफ एक्स टू, तो उसका इंटीग्रल करके आपको नया रूल मिलेगा। तो दो हमने पढ़ने, वन और टू, और बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, नया फार्मूला कुछ नहीं है, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल था उसका इंटीग्रल करना है, जस्ट बस, सो नथिंग न्यू। और आगे नया फार्मूला कोई भी नहीं है, अगले टॉपिक में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा सा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू समथिंग, तो वाई निकालना, यू हैव टू इंटीग्रेट, तो वो इससे रिलेटेड बन जाएगा। सो इंटरपोलेशन इज बेस्ड ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। तो सर अभी हमने न्यूटन कोट्स फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं, ये हम दो मतलब एक वन डिग्री और टू डिग्री के लिए करेंगे, फिर गॉस लेफेंडर भी दोनों के लिए करना। गॉस लेफेंडर वो तो छोटे छोटे से फार्मूले हैं, वो थोड़े से डिफरेंट है वैसे। फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाएगा बस। उसके बाद वो एक दो फार्मूले पढ़ने डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो इसी के अंदर ही कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। और फिर उसके बाद सर खत्म, सिलेबस खत्म। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा ही बचा, तीन चार लेक्चर थे ना। यस सर, यस। बाकी हम डिफरेंट से एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। यस सर, ओके, सो आई विल स्टॉप। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर, वो हमारी मैटलैब की वैल्यूएशन नहीं हुई अभी तक। मैटलैब की कर बताते हैं अभी आपको सर, वो क्विज के लिए बोल रहे, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन चल रही है अभी, वाइवा के लिए दो घंटे की लैब में बैठना पड़ेगा। कैसे सर? वैल्यूएशन क्विज में ही ले लेंगे सर, जैसे पहले ले रहे थे। देखो लैब का क्विज तो अलग चीज होती है ना, क्विज अलग चीज है, लैब अलग चीज है। सर अभी वाइवा के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहा वाइवा के लिए? टीचर से बोल रहे थे, मैटलैब। बता देते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ कुछ, एक दो दिन में बता देंगे आपको, ठीक है। ओके सर।